आज आप बैठे हाँ ढाडर गांव में संदीप जी कस्वा के खेत में। संदीप जी एक पढ़ा लिखा किसान है जका बीएससी नर्सिंग होने के बावजूद खेतीबाड़ी ने कोई नौकरी करने की बजाय खेतीबाड़ी ने आपकी आजीविका को जरियो बनायो और पिछले 12-13 साल में खेती में कई तरह का प्रयोग कराया जगह में असफल भी रहे सफल भी रहे, लेकिन पूरे इलाके में संदीप जी की चर्चा एक अच्छे किसान के रूप में हुए, एक जागरूक पढ़े लिखे किसान के रूप में हुए और दूसरा जगह किसान है आँखी खेती ने देख ना हुए यहाँ से प्रेरणा ले हुए। आज आप आगे खेत में हाँ आँ से आँखी खेतीबाड़ी के संबंध में थोड़ी चर्चा कर सें। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार संदीप जी, मैं पहली चर्चा आ करनी चाहूँ तारे से कि आपने अठे एक और डर्रोई टाइप को है कि जका लोग पहले तो सारा ही लोग खेती करता, लेकिन आज के समय में जका लोग पढ़ नहीं सके या जका नौकरी नहीं मिले वे लोग खेती बाड़ी से जुड़े बिक और थे जगह बीएससी नर्सिंग इतनी बढ़िया पढ़ाई करने के बावजूद थे ये खेती बाड़ी के काम से जुड़िया, तो था ना आप प्रेरणा कटे से मिलेगा अपना खेती बाड़ी करनी चाहिए, अपना जो परंपरागत काम है इस अपन जुड़ के इन आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में थे बताओ। स्टडी पूरी होता ही मैं जो खेती के बारे में विचार है जो एलोवेरा की खेती वो ही पापा जी की जी 4 बीघा गाँव जी और आपने भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकेड़ी जी अभी कुछ से कमर्शियल चीज़ आगे और हम भी आ गयो जी और मेरी खेती पर रुझान हो जो मैं एलोवेरा की खेती 2 बीघा में बढ़ा की 20 बीघा में करी जी और भी टेम उस भी की ग्वार पटा की मांग भी बढ़ी है और फिर 20 बीघाओं में खुद के 50 बीघा के अलावा मैं 400 बीघा लीज पर ले की खेती और कर ली, तो गुआर पाठो बढ़िया जा रहे हो। गुआर पाठा के सागे सागे मैं कुछ नवाचार औषधीय खेती में किया, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती सब कर रही है जी, परंपरागत खेती में भी मिट्टी इनकम को नहीं मौसम की मार है और औषधीय खेती में तो रोग कम आवे, लागत एक बार जरूर है मगर मुनाफा भी ज़्यादा हुआ है। जो औषधीय खेती भी करके देखी भी अश्वगंधा तुलसी गिलोय गुड़मार वेल सफ़ेद पोसली और गूगल हड़जोड़ वेल ये सारी चीज़ करके देखी। गुआर पाठो 2017 तक तो बढ़िया चल रहे हो जी और भी बढ़िया इनकम हुई, यानी 1 बीघा की आपने चूरू एरिया का माँ 1,00,000 रुपयों ऊपर की बचत दे देते हो साल की जी, तो ये जो बचत दे रहे हो फिर भी वहाँ पिसा भी यार फ्यूचर भी सिक्योर हो और काम दोरों को नहीं हो बनेड़ा काम को नहीं हो खुद वो काम हो जब भी रुचि हूँ वजह खेती करनी शुरू करी जी। हर्बल खेती का जगह आप जगह फसलों का नाम लिया अश्वगंधा है दूसरी जगह चीज़ें हैं आ चीज़ों को मैं समझूँगा अपने अटे मार्केट की किसानों के दिक्कत आवे तो तय जगह दिक्कत है वह दिक्कतों देखियाँ पार पाई कर किया थाने आ चीज़ों को मार्केट मिलो किया थे आ चीज़ों की खेती किया कर सकें आप वह चीज़ सीखी और फिर आने किया बेचनी है या किया आपको आप व्यवसायिक उपयोग कर सकें वह चीज़ किया समझ में। पारंपरिक खेती में छोड़ के जिकी भी नई चीज़ बो अभी अपने सब बड़ी दिक्कत यार है कभी बेचना घटे पहले तो प्लांटिंग मटेरियल लेने की समस्या है फिर भी बेचने की समस्या है जी, तो दोनों चीज़ों के लिए मैं बेचने के लिए तो मंडी कोटा मंडी नीमच मंडी जी MP में नीमच मंडी है हर्बल की सौ ज़्यादा बड़ी जी, तो बठे दियो तो बठे तो आग की जड़ नीम का पत्ता इंगोट फल और अरणी मूल ये तो इंद्रायण फल ये सब चीज़ जाए तो मेरे कन सारी चीज़ इकट्ठी होगी जो थोड़ा थोड़ा करके मेरे कन गाड़ी की व्यवस्था पूरी होगी जो मैं बठे बेची सारी चीज़ और अठा आपने दिक्कत और तो कोई दिक्कत कोई नहीं सब बड़ी दिक्कत है आपने किसान नई चीज़ ने दूसरा किसान प्रोत्साहन ने करके के लखपति हो जाऊँ बात चीज़ रहे टांग खेचना रहे और मेरे शुरू दे हो कि मैं कोई पड़ोसी कोई किसान की बात सुनती को नहीं मेरे जकी इच्छा ही घर वाला सपोर्ट करो इच्छा है जकी जकी चीज़ करके देखिए तो औषधीय खेती का मैं अभी 10 साल का एक्सपीरियंस में एक चीज़ कहूँ कि पूरे खेत में नहीं बाकी कुछ हिस्सा मगर औषधीय खेती करेडी है ना तो अगर मार्केट में भाव नहीं तो आप 4 महीना रुकी भी बेचाना स्टोर करके तो बचत हो सके आपने बढ़िया बचत हो औषधीय खेती। लगभग 12-13 साल की धारिया किसान के रूप में एक यात्रा है इन क्या महसूस करो थे पूर्णकालिक किसान हो और कोई काम के बजाय थे खेती और खेती से जुड़े प्रोडक्ट पर ही काम कर रहे हो तो थे के फील करोगे ये किसान के रूप में थे अपना आपने कटे स्टैंड करो किसान के रूप में मैं बहुत बढ़िया फील करूँगा मैं जो कई दिनों भी प्रोफेशन चुने हो किसान जी तो भी मैं कोई लॉस को नहीं मैं बहुत बढ़िया शांति बढ़िया चीज़ पैदा कर रहा हूँ समाज ने भी अब जैविक भी काम कर रहे हो कोई भी प्रकार को पेस्टिसाइड हर्बिसाइड कुछ भी काम में खोल दूँ तो जितना किसान मेरे जुड़ रहे या जितनी फैमिली जुड़ रही बन शुद्ध चीज़ उपलब्ध करवा रहे हूँ एलोवेरा है मीठो नीम है बाऊँ मुल्तानी मिट्टी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहे हूँ आगे मेरे फ्यूचर में तेल और दाल और मिलेट्स अट बढ़िया हुआ है उपज भी बढ़िया हुआ है और क्वालिटी भी बढ़िया बाकी प्रोडक्ट में और घुसने की इच्छा है जी हाँ बिल्कुल मिलेट्स पर तो केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है प्रधानमंत्री जी को भी खूब जोर है हाँ सर संयुक्त राष्ट्र संघ को भी बहुत जोर है मिलेट्स पर अच्छा काम हो सके लेकिन आपका कुछ प्रोडक्ट है जका के प्रोडक्ट है और वे विदेशों तक गया है वे प्रोडक्ट हाँ, विदेश लोग खरीदे बांगो के फीडबैक है इनके बारे में थोड़ी बताओ मेरा जो प्रोडक्ट बनाया
शुद्धता के लिए युद्ध जैविक खाने में तो सब जगह बनाए सब लगे हुए पीछे पड़े हुए हैं, सब चारों तरफ बना रहे हैं खाने के लिए शुद्ध है जैविक है, मगर कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसादन के पीछे कोई को नहीं जी। तो सौंदर्य प्रसादन आज पहले मध्यकाल में भी सौंदर्य प्रसादन हमेशा रहे हैं जी, क्योंकि जब जवान हो भी टेम मानो में स्त्री हो चाहे पुरुष हो बिल्कुल सौंदर्य प्रसादन काम में ले बिल्कुल, और बिल्कुल सुंदर दिखा और आकर्षक दिखने के लिए बिल्कुल। तो बी टाइम भी वह कुछ काम में लिया करता था, चरक संहिता वागवट संहिता दोनी पड्डी में जी, दोनी पड्डी जब हम सौंदर्य प्रसादन का उल्लेख करेडा जी। अब वह चीज ने देखी वह चीज वह जो बनाता वह कोई प्रोसेस हो कोल्ड प्रोसेस हो वे बनाना को ऊँकली मुसल या हीट नॉर्मल हीट टेम्परेचर पर, अब दूसरी मशीनरी आ गई तो कुछ बनावे है जैविक बोल की या हर्बल बोल की जी, बम्बे मशीनरी काम में ले ले जब वो टेम्परेचर वो सेट को जब असर कौन करे जी। मैं एक फेस पैक बनाया 21 हर्ब और मुल्तानी मिट्टी के साथ एलोवेरा सागे बिको कील मोहसा चेहरा पर जाइया जुया हुआ, इतना तो बढ़िया रिजल्ट है भी को एक बार यूज करने के बाद में दोबारा कस्टमर रिपीट हुए और बारह जी की थे बताओ साबुन बना रहे हूँ जो कि एनिमल फैट फ्री और पैराबीन फ्री है केमिकल फ्री है कलर फ्री है, 20 साबुन भारत तक विदेश तक जारी है फेस पैक जा रहे हैं, एक हेयर ऑयल बना रहे हूँ जो कि खेत की हर्ब से आंवला और तिल के तेल बेस को ऊपर लेके खेत की हर्ब जो कि खेत की हर्ब में बनाऊँ और भी को भी शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं। अपना चर्चा करा खेती बाड़ी की और ये जगह खेती बाड़ी से जुड़े प्रोडक्ट यहाँ की, तो बहुत सारी परेशानियाँ किसान ने आवे सामने ते के महसूस करो कि किसान के लिए कौन सी परेशानियाँ है कौन सा चैलेंज है और बांगो सामनो किसान क्या कर सके बिग बार हम थोड़ी चर्चा करो। हाँ खेती किसानी में और तो समस्या जैसे नगण्य हो जाए, सिर्फ एक समस्या सब बड़ी है किसान जी, किसान आपको माल कौन बेच सके जी। किसान अगर प्रोसेस करना शुरू कर दे कोई भी चीज़ है वैल्यू एडिशन कर दे, वैल्यू एडिशन करके अगर बेचोगे तो भी बढ़िया मुनाफा होगा, और एक प्रोसेसिंग में जहाँ अनाज है बिन ग्रेडिंग करके बेच रहे तो भी बढ़िया मुनाफा मिलोगे, एक शुद्ध बनाओगे और शुद्ध देगो तो भी को आज भी लेने वाला ही शुद्ध खाने वाला ही जी, जी। मतलब किसान ने भी कस्टमर ढूंढने वालों और बिन तो के प्रोसेस करने वालों वो काम सब हार्ड लगा है और सब बढ़िया काम वो ही होगा अगर किसान प्रोसेस करके डायरेक्ट बीज बिचोला खत्म करके डायरेक्ट जिसका नीड है दिक्कत अगर सामान दिया लग जाओगे ना तो जो बीज को परसेंटेज है वह खत्म हो जाएगा, फिर किसान मुनाफा खुद पास करे। बिल्कुल आपकी निशानी बात है कि किसान ने कटन कटे आपकी अप्रोच बढ़ानी चाहिए, अरबी से जो है वो सीधो जटे माल लागे या बढ़िया लागत की कीमत मिल जावे इसी जगह मिल जाना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चले लोगों को, कुछ लोग माने कि सरकार की योजना बिल्कुल कागजी हो, कुछ लोगों ने लागे कि सरकार की योजना बहुत अच्छी है, आपके अनुभव से बताओ कि सरकार की जगह योजना वागू किसानों ने कितों लाभ मिले और मन और बढ़िया लाभ क्या मिल सके। किसान जो कि सरकार की योजना है सारी फायदेमंद ही, कोई भी नुकसान की कोई नहीं, बस बिन अमल करने की जरूरत हो है। अब जैसे PKVY योजना चल रही है 100 किसानों का समूह है डाडर राणा सर बाला सर जी, और बिन 100 किसानों ने केंचुआ दिए खेल बनवा के दिए गवर्नमेंट और निरीक्षण भी कर रही है जी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि 100 किसान इकट्ठा होकर जो अपने सरसों जो भी फूड प्रोडक्ट है जी वह जैविक को प्रमाणीकरण भी गवर्नमेंट करवा देगी जी, और भी चीज़ ने एक समूह बना के चीज़ भी ज़्यादा होगी और मार्केट उपलब्ध करवाओ जिसका भी युवा किसान भी कमा ये ग्रुप में ही 100 कमा जी। तो बन में सागे इकट्ठा करके दाल मिलेट्स और ये जो कि ऑयल है सरसों ऑयल ये कमा आगे कमर्शियल पर्पज में करना ही सोचे कि, और प्याज भंडार भी दे रही है, डिग्गी भी दे रही है, फुहारा पर दे रही है, तारबंदी पर भी दे रही है गवर्नमेंट बहुत से बीज के ऊपर भी अनुदान दे रही है जी। और टाइम टू टाइम मिट्टी जांच परीक्षण मृदा परीक्षण करवा रही है, बीमा यो पत्तो लग जाए कौन सी पड़ रही है हाथ कौन सी डालनी नहीं है, वो सारे गवर्नमेंट की सारी स्कीम बड़ी। आप लगभग आर्थिक रूप के महसूस करो कितनी इनकम आपने हो जाए लगभग और बा कदे आ स्थिति भी आई कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है अपन यहाँ लगे एकदम से अपना फेल हो गया या अपन गलत लाइन में आ गया, तो आर्थिक स्तर पर आप के महसूस करो। GST के दौरान 2017 की बात है, GST के जस्ट बाद में आर्थिक मंदी बढ़िया झेली गुआरपट हो 400 बीघा जी, और या तो गुआरपट की मांग कम होगी या गुआरपट ज़्यादा हो गया कि वजह पता होगा जी भी दौरान या समझ में अब आगे क्या कर रहा है, क्योंकि गुआर पटो एक साल गए को नहीं खर्चा बिता ही खेत को किराए भी खेत पर लेबर आए बिजली पानी सारो, तो बी टाइम दिमाग काम करना बंद कर दिया बोले अब क्या करा जी। तो बी टाइम 6 महीना मैं पूरे राजस्थान में जितनी भी औषधि हो भट्ठा भ्रमण कर जी भ्रमण करके सारी औषधि बाकी देखी और फिर गुआर पटा कम करके गुआर पटा का उत्पाद बनाना शुरू करा। बी दौरान ही आर्थिक मंदी आई बी टाइम आर्थिक संकट आयो शारीरिक संकट तो कोई को नहीं भी दौरान आर्थिक संकट आया ना आर्थिक संकट का मैं यह चीज़ एक मैंने नई चीज़ मिली नई राह मिली
कि मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनावा लगे हर्बल, और बा मेरे लिए संकट ना हो कि वो मेरे लिए नए दरवाजे खोल दियो। आज बी के दौरान मेरा ऑल इंडिया मन जाना है, आउट ऑफ इंडिया भी माल जा रहा है जी। और वह लोग रिस्पॉन्स बा कोई तो बढ़िया रहेगा। और भाई साहब मारे 6 साल वहाँ में एलोपैथिक दवाई 2 साल ले रहा, 5,000 की महीने की दवाई ले रहा, थारी 550 की डब्बियों सारो आ गए, तो भी चीज़ मन खुशी भी होगा। मैं समाज की सेवा भी कर रहा हूँ और आप लोग फ्यूचर भी सिक्योर है। सालाना 10+ हो जाए जी, 10 लाख दस लाख से हाँ 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाए। तो मतलब आपको मानना है कि किसान ने तो जागरूक रहना चाहिए कि अगर एक सेक्टर में एक फसल में कड़ी कोई दिक्कत आ रही है तो इन दूसरे सेक्टर पर दूसरी चीज़ों पर अभी की नज़र रहनी चाहिए कि वो अपना अपने अपडेट करते रहे। हाँ भाई, किसान ने जो समय के अनुसार चलते रहना चाहिए। कई नई चीज़ है जिसकी चीज़ एक चीज़ नहीं है कभी, जहाँ पूरा जो बात या जो ही बात या सरसुवादी शिरसुवादी थोड़ी थोड़ी चीज़ सारी वाणी से जी। पहले बुढ़िया सारी चीज़ बढ़ता तेड़ो बोल की बोलो, एक चीज़ हल्की होगी तो दूसरी बड़ी हो जाएगी मौसम के अनुसार। तो अब जहाँ एक तो सारी चीज़ वाणी से, और बागवानी तो ज़्यादा संघर्ष है, लंबो टाइम है हर किसान के, और लंबो टाइम 5-6 साल ने रेस जी, जी। बन या जो कि सब्जी है, सब्जी वर्गीय फसल ही है जबकि किसान कर सके तो थोड़ी दूर में अगर सब्जी वर्गीय, एक तो घरा शुद्ध मिलेगी सब्जी मिल जाएगी, एक डेली इनकम है भी जी। सब्जी वर्गीय कर सके आपने जो चूरू एरिया को खारो पानी एरिए को वहाँ बैंगन टमाटर हरी मिर्च और गोभी पालक मटर ये सब मूली गाजर ये बढ़िया सब्जी है जी। कोरोना के दौरान, कोरोना के दौरान जबकि आप मुसीबतें झेली और बिंग बाद में लोगों के जीवन दर्शन में जीवन शैली में बहुत सारा फर्क आयो, और अभी आप देखो कि बहुत सारा लोग वापस गाँव की तरफ आया, बहुत सारा लोग खेतीबाड़ी की तरफ जुड़िया। तो कोरोना के बाद में आज की जागरूकता ये किचन गार्डन को एक कॉन्सेप्ट है वो लगातार मजबूत होते जा रहे है कि आपने खाने के लिए शुद्ध मिले और हवा शुद्ध मिले और जीवन शैली अपनी बढ़िया रहे। तो भी ने देखिया देखो कोरोना के बाद में जो बदलाव आए हुए खास करके खेतीबाड़ी के प्रदर्शन वो किया देखो। कोरोना के बाद में खेतीबाड़ी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया जी। कोरोना जस्ट पहले हमारे गांव में सिर्फ 16 कुआ चलता है और कोरोना के बाद में 150 ऊपर हो गए जी। लोग जगह 8-12 फैक्ट्रियाँ कमा रहता दिल्ली रहता वह बंद फैक्ट्रियाँ बंद छोड़ के वापस कृषि की तरफ आ गया जी। तो कृषि एक तो उपज भी बढ़ गई कृषि की, जमीन की गुणवत्ता भी वो सुधार ला गया और वापस मेहनत कृषि पर कर ला गया। तो बेरोजगारी भी कम हुई है कोरोना के बाद में, वह फैक्ट्रियां पड़े रहता फैक्ट्रियां कम बाकी के इनकम होती के नहीं होती, पर अब वापस कोरोना के बाद में जबकि जमीन की तरफ आ गया है ना और वापस कुआ शुरू करे खेती शुरू करिए भी हूँ। गाँव जो को पहली हो 90-92 कमो बा हालत होगी यार, चाचो दादो और बताओ कि पहली खेती इतना बहता और अब कौन गो है। कोरोना के बाद में खेत बहना शुरू हो गया सारा और लोगों को रुझान भी बढ़े, नया जगह युवा है वह प्रयोग भी करे जहाँ इस गोल खेती पीछे को नहीं होती, अब 2 साल में होगा लगी। और हमारे तो भी एक किसान है जो तंबाकू की खेती भी ट्राई करी है, अब बाकी पीक सक्सेस होती है। अरंडी जबकि को नहीं होती अरंडी की भी खेती होगा लगी, मूंगफली की भी खेती ट्राई करी बन मूंगफली खेती पानी कड़ुए कारण सक्सेस को नहीं जी। कोरोना के बाद में खेती को दायरो बढ़े बहुत अच्छी और जागरूकता भी बढ़ी है लोगों जी। आप एक तरफ बे किसान है जगह मतलब लगातार आप देखा पीढ़ियों संघर्ष करता रहे हर चीज़ के लिए, एक तरफ आप जैसा किसान है जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब सबके लिए एक मिसाल बन रहे। तो आप जो क्षेत्र का अपने क्षेत्र का विशेष तौर से जगह खारो पानी है और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बहुत अच्छी को नहीं बा किसानों के लिए और जगह युवा पीढ़ी है जगह खेतीबाड़ी से दूर रहना चाहे बा के लिए आप के संदेश देना चाहो कि मैं के तरीके से तो आपने घर परिवार के लिए स्कोप है, आर्थिक स्कोप है, अपनी जीवन शैली के लिए स्कोप है और समाज और देश में आप के योगदान कर सकें खेतीबाड़ी के रूप में, और बाने ये खेतीबाड़ी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए थे आप ये बात ना समेटना थका थे थारी बात किसानों के लिए बताओ। किसानों के लिए ये है कि युवा पीढ़ी जी या किस खेती दूर भाग रही है ना, बिन एक चीज़ समझना चाहिए अपना बूढ़िया बड़गा जगह खेतियों बनया जी। तो आपा भी खेतियों बन सका बस मेहनत की जरूरी है, सब ने ऑफिस वर्क चाहिए आरामदायक, मेंटल डिस्टर्बेंस की तो हुआ है कि नहीं हुआ, टाइमिंग के खानों बढ़िया मिल रहा है नहीं मिल रहा है भी चीज़ पर ध्यान कौन दे कि बोले अपन तो ठंडी छाया में काम करना है। खेती में जितनी आज़ादी है बीती कोई भी चीज़ में आज़ादी को नहीं, खुद को मालिक हुआ है खुद के साबू करना है क्या करना सारो मैनेजमेंट सारो आपका हाथ में रहे, हेल्पर राखनो है कौन राखनो टाइम काम करनो या नहीं करनो आपकी नीड के अनुसार काम हो। तो मत खेती के लिए आपको खेती के लिए रुझान जो बूढ़िया बनया आपा भी बनस्कार खेती तो अर्थव्यवस्था को कोई टाइम इंडिया को बहुत बड़ो स्तंभ हो, तो आगे भी अगर युवा के खेती में जुड़ांगा तो स्तंभ मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी थे खेतीबाड़ी के बारे में और इसके बारे में बहुत सारी मारो तो मान सम्मान करो मैंने बढ़िया थे दूध की चाय पियाई शहर में यहाँ की चाय मिलना भी मुश्किल काम हो जाए
बढ़िया थे, मूली खुआई, बढ़िया बातें बताई खेती किसानी के लिए। निश्चित रूप हूँ उतें बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और आने वाले समय में थारे काम से प्रेरणा लेके जगह अपना युवा है वह भी काम से जुड़ेगा और बेरोजगारी जकी एक बुरी तरह से समाज पर छा रही है, युवाओं के मन मस्तिष्क पर छा रही है, वह निराशा के माहौल में जा रहा है, वह अगर सकारात्मक माहौल में जुड़ेगा तो बाने भी लाभ मिलेगा, समाज और देश ने भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हाँ संदीप जी, जका आपके खेत में और पिछले 13 साल से लगातार खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयोग है कराया है और एक सफल किसान के रूप में स्थापित है, दूसरा लोग भी यहाँ से प्रेरणा ले हुए, आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया है यहाँ की, बीएससी नर्सिंग के बावजूद है खेती के काम ने चुने और बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपको कहना है कि सरकारी योजनाओं भी किसानों के लिए खूब फायदेमंद हो सके, अलावा किसान ने हमेशा अपडेट रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अगर किसान देश को पढ़े लिखे होगा और जागरूक होगा और बढ़िया अगर वो फसल आपके खेत में करेगा तो न केवल वो आपके परिवार ने आगे बढ़ाओगे, आपकी आर्थिक स्थिति ने आर्थिक स्तर ने आगे बढ़ाओगे, बल्कि देश और समाज में भी कोई योगदान जो है बहुत ही मजबूत होगा। धन्यवाद।